हेलो दोस्तों, अंतर तपक शेफ में मैं अर्चना एक बार फिर आपके साथ। पिछले दिनों का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली गई हुई थी। वहाँ मुझे किसी ने बताया कि हर संडे वहाँ की मार्केट पे कुछ खास सड़कों पर बुक्स के ढेर लगते हैं, स्टॉल्स लगते हैं और बुक्स वहाँ पे किलो के भाव मिलती है। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, चलो इस बार मैं भी कुछ किलो बुक्स लेकर घर चलती हूँ। हो सकता है कि मेरी लिस्ट की जो पसंदीदा बुक्स मेरे पास नहीं है वो भी मुझे वहाँ मिल जाएं। मैं गई, मैंने 2 घंटे वहाँ पे लगाए बुक्स सर्च करने में। आपको शायद लगे कि मैं लेकर भी आई हूँगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं पूरे 2 घंटे के सर्चिंग में सिर्फ 2 किताबें ला पाई अपनी पसंद की, और वो भी बहुत ढूंढने पर किसी पुरानी दुकान में। मैं क्या ढूंढ रही थी? मैं हिंदी के कलेक्शंस ढूंढ रही थी, वो जो नामी लेखकों के हैं, वो जो अननोन लेखकों के हैं या फिर जो मेरी पसंद के लेखकों के हैं, लेकिन मुझे नहीं मिली। मेरा मन बहुत दुखी भी हुआ कि क्या हिंदी पढ़ने वाले नहीं रह गए, या अच्छे कलेक्शन के लोग शौकी नहीं रह गए? मुझे क्यों इस 2 घंटे की खोज में, इन दुकानों की भीड़ में, इतने बड़े बड़े स्टॉल्स में हर किसी ने ना किया, ना जिना ये बुक यहाँ पे नहीं मिलेगी, ये कलेक्शंस यहाँ नहीं मिलते? आप आगे पता कर लीजिए, आप कहीं और पता कर लीजिए। और एक पुरानी दुकान जिसने लाइब्रेरी की बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी, उसमें भी बहुत सारे अननोन राइटर्स थे, वहाँ पे भी मुझे अपनी मुश्किल से 2 पसंद की किताब मिल पाई। मैं घर लौटी, काफ़ी निराश थी। मैंने अपने घर पे भी सबसे जिक्र किया इस बात का, अपनी फ्रेंड से भी बताया। उसने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया, बोली तुम बिना मतलब उदास हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुश इसलिए होना चाहिए कि हिंदी का कलेक्शन आज भी सड़कों पर नहीं आया है, अच्छे साहित्य आज भी लोग अपने घर में रखना चाहते हैं, बेचना नहीं चाहते, ये किलो के भाव में नहीं मिलती है, ये लोग घरों में सजाना पसंद करते हैं। बात में दम था, बात मुझे बहुत पसंद भी आई। और इसी खोज में जो मुझे इस बार किताब मिली वो बहुत ही प्यारी किताब थी, कृष्णा सोबती की, कृष्णा सोबती की डार से बिछड़ी। ये किताब पूरी तरह से डेस्टनी, डेस्टनी को आप सब मानते होंगे, एक किसी की दुखद यात्रा की है, एक लेडी पाशो। इससे पहले मैं थोड़ा सा कृष्णा सोबती के बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कृष्णा सोबती 18 फरवरी 1925 को गुजरात, जो कि अब पाकिस्तान में, वहाँ जन्मी। ये मेनली फिक्शन की राइटर है। विभाजन के बाद वो दिल्ली आकर बस गई और 1980 में उन्हें उपन्यास जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला। इसके अलावा पद्म भूषण, व्यास सम्मान, शलाका सम्मान और 1996 में साहित्य अकादमी का ही फेलो बनाया गया, जो कि अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। हाल में उनकी एक लंबी कहानी ए लड़की का स्वीडन में मंचन भी हुआ था। बुद्धा का कमंडल, लद्दाख, सूरजमुखी, अंधेरों के हम हशमत, समय सरगम, बादलों के घेरे, इस तरह के बहुत सारे उनके ऐसे कलेक्शन हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे तो शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती का सबसे फेमस उपन्यास है, जिसके जरिए उन्होंने औरतों की दैहिक आज़ादी यानी कि फिजिकल डिजायर्स और फ्रीडम के बारे में खुलकर बात की थी, और उनका ये उपन्यास बहुत चर्चित हुआ था और सराहा भी गया था। आज की जो हमारी उपन्यास है डार से बिछड़ी, डार से बिछड़ी एक पाशो नाम की किशोरी की कहानी है। पाशो जो कि अपने ननिहाल में रहती है अपने नानी और मामा मामियों के साथ, उसकी विडो मदर यानी कि उसकी विधवा माँ उसके जन्म के बाद अपनी मर्जी से शेख जी के घर उन्होंने शादी कर ली, जिससे उनके परिवार में बहुत विरोध हुआ। ना उनके भाइयों ने माना, ना उनकी मदर ने माना, लेकिन उसका नतीजा पाशो की ज़िंदगी पर निकला। पाशो पे हमेशा एक सख्त डिसिप्लिन बना रहा सबका। उसकी नानी उसे टोका टोकी करती, उसके मामा मामे उसे टोका टोकी करते, सबके मन में डर रहता कि जैसे उसकी माँ ने किया कहीं ये भी वैसा ना करे, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा कड़क अनुशासन में रखना ज़रूरी है। पाशो रहती थी लेकिन उसका मन विद्रोह भी बहुत करता था। वो खुल के जीना चाहती थी जैसा कि वो जी नहीं पा रही थी। पाशो की एक हल्के फुल्के से मुलाकात करीम नाम के एक लड़के से होती है और वो उससे दोस्ती के सपने तो नहीं संजोती है बट दोस्ती कर लेती है, शुरुआत होती है दोस्ती की। बात उसके घर में पता चल जाती है,
उसके मामा बहुत गुस्सा होते हैं और उसके मामा मामी जो कि अपनी इज्जत के लिए पहले ही अपना बहुत कुछ दांव पे लगा चुके थे उसकी माँ की वजह से, अब वो नया कुछ भी चोट नहीं बर्दाश्त करना चाहते थे। उन्होंने पाशो को ख़त्म करने का निर्णय ले लिया और सोचा उसे जहर दे दूँ। पाशो उनकी ये बात समझ गई, वो अपनी आन पे मिट तो जाना चाहती थी, वो अपने मामा मामी नानी को कोई परेशानी भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो मरना भी नहीं चाहती थी, वो खुल के जीना चाहती थी, वो अपनी माँ से मिलना चाहती थी। और जिस दिन उसे पता चल जाता है कि उसको मारने की साजिश हुई है, आज उसे मार दिया जाएगा, आज उसे जहर दे दिया जाएगा, तो उस दिन वो रातों रात घर से भाग जाती है। घर से वो भागकर शेखो की हवेली की तरफ जाती है जहाँ पर उसकी माँ होती है। पाशो ये बहुत बड़ा कदम उठा लेती है, उसकी माँ उससे मिलकर बहुत खुश होती है। उसकी माँ उससे खुशी में अपने पास रखती है, मन भर आता है उसका, वो उसके कष्टों को भी देखती है, वो उसकी डिज़ायर्स को भी समझती है, लेकिन उसको ये लगता है कि जो मैंने किया वही मेरी बेटी ने भी किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे मेरे भाइयों की इज्जत पर बट्टा नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन वो बेटी की ज़िंदगी के बारे में भी सोचती है और अपने हस्बैंड से इसके बारे में डिस्कस करती है। उसके पति जो कि उसकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं और उन्होंने उसे बहुत ज़िंदगी में प्यार भी दिया होता है, वो पाशो के लिए एक इंतज़ाम करते हैं। वो इंतज़ाम ये होता है कि वो पाशो की ही कास्ट के दीवान जी के वहाँ उसकी शादी कर देना चाहते हैं। रातों रात वो उसे घर से भेजने का इंतज़ाम कर देते हैं और पाशो को दीवान जी के घर भेज दिया जाता है। पाशो जब दीवान जी के घर पहुंचती है तो अपनी और उनकी उम्र के बीच का फ़र्क देख के बहुत निराश भी होती है, लेकिन ये निराशा बहुत थोड़ी देर की होती है। दीवान जी से उसे इतना ज़्यादा प्यार मिलता है कि पाशो अपने ज़िंदगी के सारे दुख सारी तकलीफ़ें भूल जाती है। उसे अब सारी चीज़ें याद करके बहुत अच्छा लगने लगता है कि कुछ भी हो मामा मामी उसकी केयर तो करते थे, वो उसकी चिंता में ही तो उसे कुछ कहते थे, नानी उसे इतना प्यार करती थी, उसे अब अपनी माँ अपनी ज़िंदगी में वापस मिल गई और उसे एक प्यारा सा भाई भी मिल गया, उसका वीर। पाशो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहने लगती है और उसको एक बेटा भी होता है। पाशो अपने हस्बैंड दीवान जी की मौसी के साथ बहुत घुली मिली होती है, वो उनके साथ अपने हस्बैंड के साथ और अपने नन्हे से बच्चे के साथ बहुत खुशनुमा ज़िंदगी बिताने शुरू करती है। लेकिन कहते ना खुशियों को नज़र लग जाती है, पाशो की ज़िंदगी को भी लग गई और दीवान जी की डेथ हो गई। दीवान जी की डेथ को कुछ ही दिन बीते थे कि उनका छोटा भाई बरकत जो उनका कज़न था वो घर में आकर रहने लगता है और उसकी पाशो पर गलत नज़र होती है। वो सोचता है कि अब तो पाशो का कोई नहीं है तो ये सारी संपत्ति भी मेरी और वो भी मेरी। वो उसे सीधे साधे तरीके से अपनी साथ रहने को तैयार करता है, बट वो तैयार नहीं होती। इसका नतीजा वो इस तरह से निकालता है कि एक लाला जी के वहाँ कभी उसने कर्ज लिया होता है, वो पाशो को कुछ दिन अपने साथ रखने के बाद उस लाला जी के हाथों बेच देता है। पाशो को पता नहीं चलता। उसकी मौसी जो कि उसकी संरक्षक भी होती है, दोस्त भी होती है, सारी परिस्थितियों को भी समझती है, वो दो दिन के लिए बाहर गई होती है और उसी दौरान ये सब हो जाता है। पाशो को जिसके घर बेचा जाता है वो लाला जी काफ़ी बूढ़े होते हैं। वो कहते हैं पाशो मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, तुम मुझे सिर्फ दो रोटियां डाल के दे दिया करो, लेकिन मेरे तीन बेटे हैं, द्रौपदी की तरह उनकी सेवा करना, उन्हें कभी शिकायत का मौका ना देना। पाशो बहुत कष्ट रहती है, शारीरिक भी और मानसिक भी। उसे अपने बच्चे की भी बहुत याद आती है, लेकिन वो बहुत बेबस होती है क्योंकि वो कड़े पहरे में होती है, उसे समझ में नहीं आता भागे भी तो कैसे। तीनों लड़कों में सबसे बड़ा बस काम अपना काम चला लेता है पाशो से, खाने पीने और शरीर का संबंध रखता है। सबसे छोटा बहुत कड़क होता है और पाशो से मिसबिहेव भी करता है। लेकिन बीच वाला लड़का जो कि पाशो को संबोधित करता है नवेली, वो नवेली यानी पाशो को प्यार भी देता है, गुस्सा भी देता है, हाथ भी उठाता है, ख्याल भी करता है। कहीं ना कहीं पाशो के मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसने अपनी स्थिति को जैसे तैसे स्वीकार कर लिया, उसने अपनी डेस्टिनी को मान लिया कि उसके ज़िंदगी में यही ज़िंदगी शामिल है, इसमें कहीं खुशी नहीं है, जो कुछ निभाना है मुझे इन्हीं तीनों के साथ खाना पीना और शारीरिक संबंध निभाने हैं। पाशो अपनी स्थिति से समझौता कर लेती है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का दौर होता है जहाँ पे लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, उसी दौरान लड़ाई छिड़ जाती है। मंझला
जो कि बीच वाला लड़का था लाला जी का, वो पाशो को लेके घर से निकल जाता है। उसके मन में एक सपना होता है कि अगर वो इस लड़ाई से जीत गया तो वो पाशो के साथ अपना घर बसाएगा। पाशो बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चली जाती है, लेकिन वो लड़ाई में मारा जाता है। फिर पाशो के सामने समस्या थी, अब वो कहाँ जाए, क्या करे। पाशो फिर भटकती है और औरतों के जुलूस में शामिल होती है, जहाँ पर उसे कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और वो फिर एक घर में मिलती है। वो घर बड़ी माँ यानी एक रानी का होता है, जो अपने जमाने में काफ़ी मजबूत होती है, और उनका एक प्यारा सा बेटा भी होता है जो अगली लड़ाई में जाने के लिए तैयार रहता है। वो कहती हैं, उठो और अपने वीर का टीका कर दो। पाशो का दिल भर आता है कि उसने तो अपने वीर को एक अरसे से नहीं देखा। अपने इस भाई को अगर वो भेज तो रही है, लेकिन उस बदकिस्मत है, ईश्वर करके उसका भाई उस लड़ाई से लौटा है। पाशो का ये मुँह बोला भाई उससे वादा करके जाता है कि बहन, अगर मैं लौट आया तो मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल जरूर पहुँचाऊँगा। लेकिन वो लौट कर नहीं आता। पाशो की डेस्टिनी फिर उसे आंसुओं से भर देती है। वो समझ नहीं पाती कि अब वो क्या करे। वो एक दिन इन्हीं लड़ाइयों के बीच में फिरंगियों के कैंप में जा पहुंचती है, और वहां पर उसका भाई उसे पहचान लेता है और उसे सही सलामत बचाकर वापस उसकी माँ से पहुंचा के पास पहुंचा देता है। पूरे जीवन खुशियों की तलाश करने वाली वो अलहर सी पाशो पूरी ज़िंदगी दर्द में बिता गई। उसकी खुशियों के पल बहुत कम थे। ये पूरी कहानी पाशो की नियति की कहानी है, कैसे उसका विद्रोही मन होता है जो अपने ननिहाल में उसे विद्रोह करने पर मजबूर करता है, कैसे वो रातों रात भागकर अपनी माँ के पास पहुँचती है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ खुशनुमा बिताती है, फिर वो दूसरे के हाथ बेच दी जाती है, उससे उसका देवर भी बिहेव करता है और धोखा भी देता है। उसके बाद वो हारी सिमटी सब कुछ अपना खोकर वापस अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। डार से बिछड़ी हुई पाशो वापस डार में जा मिलती है। सब कुछ खो देने के बाद क्या पाशो अब अपनी ज़िंदगी कभी खुशी से जी पाएगी? पूरी कहानी इसी कहानी पर है। कृष्णा सोबती की कहानी, जैसा मैंने बताया कि वो फिक्शन की लेखिका हैं, और बड़ी बंधी सी, बहुत अच्छे खत्रियों वाले और पंजाबी और हिंदी शब्दों की मिक्स वाली कहानी है, लेकिन दर्द भरी। इस कहानी में उनके शब्दों के चयन बहुत अलग है, बहुत ही डिफरेंट, जिसको मैं पढ़ के बताती हूँ कि ये आपको भी अच्छे लगेंगे कितने अलग हैं। मामू कब जागे, कब घर में हाहाकार मचा, ये मैं कैसे जान पाती। तारों की लौ, सराफे के पिछवाड़े, जब लुकती छिपती खोजों की हवेली तक पहुँच गई तो आगा पीछा सोचकर कपकपी छिड़ गई। दोरी ओढ़नी से मुँह से लपेट लिया, छोटे बड़े मामों की आंखों की तरह ऊंची हवेली के किवाड़ जुड़े जुड़े मुझे घूरते थे। खड़ी खड़ी दांत भी छुलाई रोकती रही और दोनों हाथों ड्योढ़ी का दर खटखटाती रही। ये तब की लाइनें हैं जिस दिन पाशो घर से भागी, और जब वो उस घर में यानी कि अपनी माँ के घर में होती है। माँ के फुलसई जोड़े पर मुंगिया ओढ़नी ओढ़ जब चबारे वाली बैठक में पहुंची तो मामों की बहन रंगली पीढ़ी पर बैठी बीज छीलती थी। सिर पर गुलजड़ा दुपट्टा था, पैरों में सलमे सितारे की जूती। पास वाली पीढ़ी पर बैठी तो यहीं देखती रही कि नानी की बेटी का चेहरा मोरा, नानी से नहीं मुझे से मिलता है, मुझे सरंग मुझे सा माथा। ये बातें नानी की बेटी और मामों की बहन वो अपनी माँ के लिए कहती है। आप भी समझ रहे हैं पर कितना अच्छा जो है। पाशो, अल्हड़ किशोरी पाशो, जिंदगी भर भटकती रही, एक घर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और जब उसका सब कुछ चला गया, मान सम्मान सुख सुहाग सब कुछ, तभी वह अपनी डार में लौट सके। लेकिन अब क्या रह गया था उसके पास? न हास न रुदन, न किसी से कोई शिकायत न मांग। एक देह थी निसंग और एक मन खाली सुनसान। आंखें कितने ही सपनों की राख को काजल की तरह आंजे हुए, जहां पर दूसरा कोई रंग नजर नहीं। कृष्णा सोबती की यह बहुचर्चित कथाकृति वस्तुतः परंपरा और रूढ़िग्रस्त समाज में जकड़ी एक नारी के फिसल कर भटक जाने की कहानी है। एक ऐसे समाज में जिसमें नारी स्वभाव की कोमलताओं का शोषण होता है, उसकी स्वतंत्र
स्वातंत्र भी कैसा दारुण है, मतलब उसकी आज़ादी भी कितनी दुखद है। पाशो के रूप में यहाँ नारी मन की भावनात्मक तरलताओं, उसकी आशा आकांक्षाओं और उसके नष्ट हो जाने पर हृदय में घुमड़ते निशब्द हाहाकार का मर स्पर्शी चित्रण हुआ है इस उपन्यास में। आप इस उपन्यास को जरूर पढ़िएगा।